अनिल चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम है। और जो कि आप सब लोग देख भी रहे हैं कि मेरे साथ आप सबकी बहुत ही चहेती काजल राघवानी जी, हम लोग साथ में यहाँ पर एक्चुअली एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है पड़ोसा। और जिस धरती पर हम लोग जिस भूमि पर हैं, ये बहुत ही महान इतिहास रहा है इस भूमि का, इस धरती का, प्रतापगढ़ का। तो प्रतापगढ़ में मेरे आने का जो सौभाग्य हुआ हम सभी के इस फिल्म के शूटिंग के लिए, इस शूटिंग के पर्पज से जिस फिल्म का नाम है पड़ोसा। और आज ये एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे जो हमारे महाराज जी हैं इनके हम लोग आ पाए हैं। ये मौका, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे संतोष दुबे जी के द्वारा, जो मेरे बहुत ही पारिवारिक जिनके संबंध रहे हैं हमेशा मेरे पिताजी से। और बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने लोग, जब और ख़ास करके मैं अवध का हूँ, अवध नगरी का हूँ, तो जब अपने अवध में जब सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो और वो खुशी दोगुनी होती है और अच्छा लगता है, प्रेम और ज़्यादा दिल भर आता है। तो ये बस चाहूँगा कि ये प्रेम, ये आशीर्वाद, ये लोग हमारे ये साथ हमेशा मिलता है। फिल्म पड़ोसन की कहानी से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? दरअसल पड़ोसन जो फिल्म है, तो सबसे नाम से इसके शीर्षक ही जो है वो दर्शा रहा होगा कि पड़ोसी की हीरो हीरोइन पक्का पड़ोसी होंगे। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो बहुत कमाल का है। वो ट्विस्ट अभी ओपन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो ट्विस्ट ही मेन मज़ेदार है, जो इसका जिस्ट है। जो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, जो उम्मीद करेंगे कि हाँ एक साधारण सी फिल्म चल रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, तो